हेलो स्टूडेंट, मैं अग्नेश यादव आपको अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने अपने इंट्रो वीडियो में बताया था कि मैं फिजिक्स कवर करने वाला हूं, तो आज क्लास नाइन्थ का साइंस में फिजिक्स का जो फर्स्ट हमारा चैप्टर है वो है मोशन। तो मोशन बताने से पहले मैं आपको सबसे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताना चाहता हूं। तो जो हमारा डिस्टेंस होता है वो कम्प्लीट लेंथ ऑफ पाथ होता है बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, और हिंदी वाले देख लेंगे किसी भी दो बिंदु के बीच की बीच की लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं। जैसे अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है पॉइंट ए टू पॉइंट बी के तरफ, तो ये जिस पथ को फॉलो करते हुए जाएगा वो जितना भी लेंथ होगा उसका, यानी कि जितना भी लंबाई होगा उसे हम लोग कहते हैं दूरी यानी कि डिस्टेंस। और सेकेंड हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो मिनिमम लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, तो हिंदी में दो बिंदु के बीच के न्यूनतम लंबाई जो हमारा होता है वो डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन कहलाता है। जैसे कि अगर सेम एग्जांपल के यहाँ कंसीडर किया जाए और ऑब्जेक्ट सेम तरीके से पॉइंट ए टू पॉइंट बी गया हो, तो जो इसमें हमारा होगा मिनिमम जो डिस्टेंस होगा, ये ब्लैक वाली लाइन आपको दिख रहा होगा, तो जो हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो जो मिनिमम लेंथ होगा इन दोनों के बीच का वो हमारा जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। जैसे कि इसमें आपको ये जो रेड वाली लाइन दिख रही होगी वो हमारा यहाँ अगर बात करें जाए तो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, और जो हमारा ये ब्लैक वाली लाइन है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट को। तो इसी बात आपको क्लियर हुआ होगा कि ये जो हमारा डिस्टेंस होता है वो टू पॉइंट के बीच की लंबाई होता है, ये तो लेंथ होता है, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो मिनिमम लेंथ होता है बिटवीन टू पॉइंट्स। अब आगे और अच्छे से इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जो अभी दिखा रहे हैं। ये हमारा एग्जाम्पल है, जो शुरू करते हैं इसमें आपको एक्स वाई ग्राफ दिया होगा जिसमें कि जो एम डिनोट कर रहा है वो मीटर, यानी कि जो हमारा ये लेंथ है वो मीटर में बताया गया है। तो जिसमें आप देख रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट हमारे पॉइंट ओ पे था जो ये एरो के डायरेक्शन में ट्रेवल करके ये पॉइंट ई पर पहुंचा, तो इसमें ये बोल रहा है कि इन गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि दूरी और विस्थापन हमसे ज्ञात करने के लिए बोल रहा है इस फिगर में। तो सबसे पहले हम लोग उसके डिफिनेशन से जानते हैं कि जो हमारा कंप्लीट लेंथ होता है वो हमारा क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। तो उसके बेसिस पे देखें तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है पहले पॉइंट ओ से ये ए पे गया, ए से बी पे, बी से सी और सी से डी पे, उसके बाद ये ई पे ट्रेवल किया, तो हमारा जो टोटल लेंथ होगा यानी कि अगर हम डिस्टेंस की यहाँ बात करते हैं तो जो हमारा डिस्टेंस होगा ये पूरा जो पाथ की लंबाई होगी, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जो हमारा टोटल डिस्टेंस होगा ओ ए प्लस ए से ये पॉइंट बी पे गया तो ए बी प्लस, ये बी से सी पे गया तो बी सी प्लस, सी से डी पे गया तो सी डी, और लास्ट में हमारा ये डी से ई पे गया। ये इसमें देख लेंगे हम लोग ये ओए की लेंथ यहां दे रखी है 2 मीटर, तो रख देंगे हम लोग 2 मीटर प्लस ए बी का लेंथ आपको फिगर में दिख ही रहा होगा कि ये 4 मीटर दे रखा है, ये 4, और बी और सी भी आप देख लेंगे यहाँ ये 4 मीटर है, और सी से डी जो हमारा लेंथ है वो यहाँ दिख रहा होगा 4 to 6 गया, यानी कि दोनों के बीच का जो लेंथ है वो 2 मीटर है, और यहाँ आपको दिख रहा होगा डी से ई यानी 6 to 8 गया, यानी कि दोनों बीच का जो लेंथ है वो 2 मीटर है। तो जो हमारा टोटल डिस्टेंस, ये हमारा जो टोटल डिस्टेंस आया वो 2, 6, 10, 12, 14, यानी जो हमारा डिस्टेंस आया वो कितना आया हमारा 14 मीटर। अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की यहाँ बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसमें हम लोग देख रहे होंगे एक ये जो ब्लैक लाइन थी ये पॉइंट ए से पॉइंट ई के बीच का जो हम लोग ये लाइन को मिला दिए हैं, तो ये हमारे पास ये मिनिमम लेंथ होता है, तो जो हमारा मिनिमम लेंथ है वो यही बनेगा। तो अगर इसको हम लोग ध्यान से देखें तो अगर इसको कैलकुलेट करना है तो हम देखेंगे कि एक राइट एंगल बना हुआ है, अगर ओ ई और इस पॉइंट को इसको कुछ नाम दे दें, अगर हम लोग एम नाम दे देते हैं तो जो हमारे पास ओ ई एम है वो हमारे पास एक राइट एंगल दिख रहा होगा, और राइट एंगल जब भी होता है तो हमारे पास थ्योरम होता है पाइथागोरस थ्योरम, वो हमेशा ही वैलिड हो जाता है जब भी हमारा राइट एंगल होता है। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि ये राइट एंगल में एक हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है, तो अगर हम लोग हाइपोटेनस को सी से डिनोट कर दें और बेस को बी से, और परपेंडिकुलर लाइन को ए से डिनोट कर दें, तो जो हमारे पास रिलेशन आता है वो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो अगर इस रिलेशन को हम लोग यहाँ रखें
तो इसके बेसिस पे ये वाला जो लेंथ होगा, अगर ये हम लोग थीटा यहाँ मान लें तो ये वाला हमारे पास बेस बन जाएगा, ये हमारे पास परपेंडिकुलर और हमारे पास हाइपोटेन्यूस, यानी कि जो हमारा हाइपोटेन्यूस है अगर इसकी लेंथ हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। इसके लेंथ कैलकुलेट करने के लिए यहाँ फिगर में दिख ही रहा होगा कि जो हमारे पास बेस है वो 8 मीटर है, क्योंकि ये 2 मीटर यहाँ 2 मीटर ये दिनों की कर रखा है, तो ये टोटल लेंथ इसका 8 मीटर है। और वाई एक्सिस पे अगर देखते हैं ये वाला लेंथ हमारे पास जो है यहाँ से 0 से शुरू होकर 6 पे गया, यानी ये वाला लेंथ हमारे पास 6 है। तो अगर इसकी बात करें तो ये वाला लेंथ हमारे पास जो है टोटल वो 6 मीटर है और ये वाला लेंथ हमारे पास 8 मीटर है। तो अगर इस रिलेशन में हम लोग रखते हैं तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमारे पास हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के बराबर होगा। तो अगर हम लोग इस रिलेशन को रखते हैं तो हमारे पास हाइपोटेन्यूस होगा ये। तो अगर इस रिलेशन में इस वैल्यू को पुट करते हैं हम लोग तो यहाँ से देखेंगे कि ये जो हमारे पास सी स्क्वायर है, अगर इसको हम लोग सी ही डिनोट कर दें इसका लेंथ, तो जो हमारे पास सी स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो आएगी 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर को हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमारे पास जो सी स्क्वायर आ रहा है वो 6 में 6 का मल्टीप्लाई होगा 36, हमारे पास 8 का स्क्वायर होता है 64। तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 100, तो सी स्क्वायर इक्वल टू 100। और जब स्क्वायर सेकेंड हाफ में जाएगा तो वो सी इक्वल टू रूट ओवर 100, यानी कि अगर रूट ओवर 100 अगर किसी को ये रूट निकालना आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं निकालता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम सिखाएंगे कि हम लोग ये रूट कैसे फाइंड करते हैं। और आती है तो अच्छी बात है, नहीं आया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर इस बात का संज्ञान लें ताकि हम उसको वीडियो में आपको बता सके कि ये कैसे निकाला जाता है। तो सी क्वेश्चन यहाँ से आएगा 10 मीटर। तो अगर यही हमारे पास हाइपोटेन्यूस था और यही जो हमारे पास ये हाइपोटेन्यूस था यही हमारा डिस्प्लेसमेंट था, तो अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं हम लोग तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 मीटर। तो इसका फर्स्ट आंसर जो हमारा डिस्टेंस आया वो 14 मीटर और जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आया वो 10 मीटर। अब इसी में एक तरीके के और एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। अगर एग्जाम्पल नंबर 2 से कंसिडर करूँ और इसमें बोलूँ कि ये वाला जो हमारे पास ऑब्जेक्ट था वो ऐसे ना ट्रेवल करके वो डायरेक्ट ही क्या किया इस पॉइंट से पॉइंट ओ टू ये पॉइंट ई गया, लेकिन वो इस पाथ को फॉलो करते हुए गया, इस पाथ को फॉलो करते हुए गया। तो जो हमारे पास यहाँ हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारे पास लेंथ है वही हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ये जो और यही वाला लेंथ जो हमारे पास है वो डिस्टेंस है, क्योंकि ये जो आल लेंथ है यही है और यही हमारे पास मिनिमम डिस्टेंस भी बन सकता है। तो जो हमारे पास यहाँ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों आएंगे वो इस केस में क्या हो जाएंगे, वो दोनों ही इक्वल हो जाएंगे। और जैसा हम लोगों ने इसमें हाइपोटेन्यूस ये राइट एंगल का यूज करके हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोग निकाले थे, ये वाला लेंथ जो वही आया था वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल ही आया था, वही वाला सेम लिया हूँ। तो इस वाले क्वेश्चन में अगर सेकंड क्वेश्चन में देखा जाए, अगर इसमें अगर सेम बात पूछी जाए तो जो हमारे पास डिस्टेंस होगा वो वही ही होगा और वही का लेंथ हम लोग कैलकुलेट किया अभी यहाँ पे 10 मीटर, तो ये 10 मीटर ही हो जाएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट की अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है यही मिनिमम दूरी भी है तो ये भी हमारे पास 10 मीटर होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस है जो वो हम इक्वल आई है। तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा तो उस कंडीशन में हमारे पास जो डिस्टेंस होगा और डिस्प्लेसमेंट होगा इक्वल होगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन होगा कि वो सेम ही डायरेक्शन में ट्रेवल करे। ऐसा नहीं है कि वो क्या करे, पहले वो ऑब्जेक्ट ई पे गया स्ट्रेट लाइन के थ्रू और ई से वापस ही वो ए पे आ गया, वापस ही सॉरी ए पे नहीं ये ओ पे आ गया। अगर ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट था, अगर फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करें कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट था वो पहले पॉइंट ई पे गया स्ट्रेट लाइन के थ्रू और वापस पॉइंट ई से वो ओ पे आ गया, तो अगर इस कंडीशन में हमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में पूछता है तो ऐसे कंडीशन में हम लोग टोटल जो दूरी कवर कर रहा है, जो टोटल लेंथ कवर कर रहा है वो हमारे पास डिस्टेंस होता है। तो इस कंडीशन में पहले वो 10 मीटर ई पर गया, ओ से ई पर 10 मीटर गया और फिर से वो वापस 10 मीटर आया। तो अगर यहाँ बात करें तो ओई और ओई से फिर से वो ई से कहाँ आया, ओ के तरफ। तो ये वाला लेंथ हमारे पास 10 मीटर था और ये वाला लेंथ भी हमारे पास 10 मीटर ही है। तो इस कंडीशन में हमारे पास ये जो डिस्टेंस आएगा वो 20 मीटर आएगा, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करी जाए, अगर डिस्प्लेसमेंट इस कंडीशन में हम लोग बात करते हैं तो ये जिस पॉइंट पे पहले था उसी पॉइंट पे
अब भी है, तो जो हमारे पास ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो होगा, क्योंकि हम लोग डिस्प्लेसमेंट में देखते हैं कि जो हमारे पास दो पॉइंट है, जो फाइनल पॉइंट है और जो इनिशियल पॉइंट है उसके बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना है, हमारा फाइनल पॉइंट भी ओ है और इनिशियल पॉइंट भी ओ ही था, इस कंडीशन में हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो है। इसके आगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या डिफरेंसेस है उन्हें देखते हैं। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इसमें वर्सेस लिख दो, इसका मतलब बनाम होता है, तो दूरी वर्सेस विस्थापन। तो जो हमारा दूरी होता है, जो डिस्टेंस होता है, तो पहली चीज आप लोग जानते हैं डिफिनेशन से कि ये कंप्लीट लेंथ होता है, जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है वो मिनिमम लेंथ होता है, और सेकेंड हमारा होता है कि डिस्टेंस जो हमारा होता है वो ऑलवेज भी ग्रेटर देन जीरो होता है, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पार्ट होता है रियल नंबर का। रियल नंबर मीन्स जो भी नंबर आप जानते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, -1, -2, जो भी आप नंबर जानते हैं वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमारा जीरो से बड़ा होगा, क्योंकि अगर कोई भी चीज ट्रेवल करता है तो वो कुछ ना कुछ दूरी तो हमेशा ही वो तय करेगा, ऐसा नहीं होगा कि वो अगर ट्रेवल किया तो करेगा ही, तो वो ज्यादा से ज्यादा या तो रुक सकता है वहीं, या तो वो जब भी ट्रेवल की बात करेगा तो डिस्टेंस हमारे पास जो होगा वो हमेशा जीरो हो जाएगा। और तीन एग्जाम्पल हम लोगों ने इससे पहले देखा है जिसमें कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं आया है, एक केस में इक्वल आया था, तो ये हमारे पास ये थर्ड हमारे पास कंडीशन है, वो जो डिस्टेंस होगा वो ऑलवेज भी ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा डिस्प्लेसमेंट के, और यही बात इसमें लिखा जा सकता है डिस्प्लेसमेंट हमेशा लेस देन और इक्वल टू होगा डिस्टेंस के। और इसमें थर्ड पॉइंट जो होता है, ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है अदिश राशि, और हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है सदिश राशि। अगर सदिश राशि और अदिश राशि को हम समझना चाहते हैं तो ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि 5 मीटर्स, तो अगर 5 मीटर्स की बात करूँ तो आप किसी भी डायरेक्शन में फ्री हैं, आपका जितने भी डायरेक्शन है आप कहीं भी आप जा सकते हैं 5 मीटर। लेकिन अगर यही मैं बात करता हूँ कि आपको 5 मीटर ईस्ट में जाना है, तो उसके लिए आप फिक्स हैं कि पहले आप 5 मीटर ईस्ट में ही जाएंगे। तो जिसमें हम ये मार्क के साथ साथ यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम डायरेक्शन को भी बता देते हैं, वो हमारे पास सदिश राशि होती है, और जिसमें केवल मैग्नीट्यूड बताया जाए, जैसे मैंने बोला 5 मीटर, तो वो है कि आप फ्री है कि आप किधर भी 5 मीटर जा सकते हैं। अगर सेकंड एग्जांपल लूँ तो अगर मैं बोलता हूँ कि टाइम, तो अगर टाइम मैं बोलता हूँ 10 सेकंड, तो 10 सेकंड कौन सा 10 सेकंड, आप कुछ भी 10 सेकंड ले सकते हैं, फ्री है। लेकिन जब उसमें हम कंडीशन रखते हैं कि आप 2 बजे से काउंट करिए, तो वैसी क्वांटिटी जिसमें हम मैग्नीट्यूड के बाद उसमें डायरेक्शन भी बताएं या कुछ और भी इंफॉर्मेशन दे, जैसे अगर बल की बात करी जाए, मैं बोल रहा हूँ कि बोर्ड पे आप बल लगाइए, तो जब भी मैं बोर्ड की बात किया तो वो उसमें डायरेक्शन इंक्लूड है, और कितने न्यूटन का फोर्स लगाया जाएगा वो भी, तो वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। और ऐसी क्वांटिटी जिसमें बस ये बताया जाए कि ये आप करिए, जैसे कि वही एग्जाम्पल यह था टाइम का, तो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। अभी तक हमने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को कवर किया, तो इस टॉपिक में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यदि आपको लगता है कि कोई भी चीज छूट गई हो या कोई चीज आपको समझ में ना आई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो लगता है कि आपके लिए यूजफुल है और आपके किसी दोस्त या भैया किसी को भी यूजफुल हो सकता है, तो उनके पास भी इस वीडियो को पहुंचाएं।